अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करूंगा आप लोगों से कराची के वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा जो है करंट सिस्टम जो इस वक्त सेंट्रल ऑफ इंडिया के ऊपर है उसकी लोकेशन क्या है। तो अगर आप लोग करंट इमेज देख रहे हैं, इस वक्त जो वेदर सिस्टम जो कि बना हुआ है लो प्रेशर, वो सेंट्रल ऑफ इंडिया के ऊपर है। काफ़ी ज़्यादा जो है ये लो प्रेशर जो है कहना चाहिए, वेल मार्क लो प्रेशर भी इसको कह सकते हैं, इतना जो है ये दबाव हवा का इस वक्त मौजूद है। और अगर आप लोग ये तीन इमेजेस देखें, एक GFS का मॉडल है, ECMWF और आइकॉन का मॉडल, तो तकरीबन तीनों डिफरेंट मॉडल जो हैं सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस शो कर रहे हैं, काफ़ी पावरफुल सिस्टम है ये। और इसका ट्रैक जो है, अगर आप तीनों मॉडल की इमेजेस देखें तो तकरीबन ट्रैक जो है एक ही जैसा शो कर रहे हैं, यानी कि गुजरात की तरफ, क्योंकि ये अभी आने वाले दिनों में जो है ये मगरिब की तरफ मूव होगा। फर्स्ट करें अगर ये सिस्टम रन ऑफ कच्छ का एरिया, यानी कि इसमें आप लोग देख रहे हैं ये है रन ऑफ कच्छ का एरिया ना, सौराष्ट्र तक कच्छ का रीजन, और ये गुजरात का एरिया है। अगर ये गुजरात की तरफ से आता है और सौराष्ट्र कच्छ रीजन की तरफ से आता है, तो इसका इम्पैक्ट किस तरह का होगा? तो ये सिस्टम जो इम्पैक्ट अपना शो करेगा स्पेशली 17 से 20 तारीख तक, तो कराची में जो रेन के चांसेस होंगे वो स्पेशली 18, 19, 20 तक इम्कान हैं कि देखने को मिले। और जैसे फर्ज करें ये सिस्टम अगर सौराष्ट्र कच्छ रीजन के ऊपर आता है तो कराची में चांसेस और बढ़ जाएंगे। अगर ये गुजरात की तरफ से जाता है आने वाले दिनों में, तो कराची में चांसेस होंगे लेकिन कम होंगे एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न सिंध, यानी कि मशरक़ी की सिंध की जो पट्टी जिसमें उमरकोट, थरपारकर, नगर पारकर। अगर आप लोग ECMWF का मॉडल देखें ना, ये वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सिस्टम शो कर रहा है। इंटेंस सिस्टम से मुराद है कि हवा जो है रोटेट कर रही है, यानी कि डिप्रेशन का सूरत जिसमें हवा की स्पीड ज़्यादा होगी। तो और ये जब सी के ऊपर होगा तो थोड़ा सा पावरफुल तो नहीं होगा क्योंकि ये ओमान की तरफ निकल जाएगा, लेकिन जो है बारिश के जो चांसेस होंगे, याद रखें कि बारिश की जो चांसेस आप लोग पूछते हैं होगी या नहीं होगी, फर्स्ट करें सिस्टम समंदर की तरफ है तो बारिश जो होती है हमेशा सिस्टम के आगे होती है ना, जिस तरीके से मॉडल शो कर रहे हैं। ये नीला कलर का एरिया ये कम है, रेड कलर का एरिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो गुजरात साइड के ऊपर है इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश के चांसेस हैं। जहाँ तक कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि देखें, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर ये सौराष्ट्र कच्छ रीजन के करीब से जाता है तो कराची में चांसेस और हो जाएंगे, अगर ये गुजरात से जाएगा तो कम होंगे। लेकिन कराची में जो बारिश की फिलहाल अभी तक की प्रडिक्शन है वो 18 से 20 तक मॉडरेट रेन के चांसेस हैं। अब आप लोग कहते हैं कि सर कराची में जो है बारिश खास तौर पे जो होती है वो कराची के नूरियाबाद, M9 मोटरवे और नॉर्थ कराची, नॉर्थ की तरफ होती है, तो डेफिनेटली ये एरिया तो ज़्यादा ही अफेक्टेड रहते हैं मानसून सीज़न में। और जहाँ तक ओवरऑल कराची की बात है, तो मैंने आप लोगों को वही कहा कि लोकेशन के ऊपर, इसका ट्रैक के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रैक किस हद तक होगा, लेकिन जो सिंध की मशरकी पट्टी है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव होगी स्पेशली इस सिस्टम से, जिसमें उमरकोट, मिट्टी, थरपारकर, नगर पारकर, मीरपुर खास, ये वो इलाके होंगे जो बहुत ज़्यादा रेन के देख सकते हैं, यहाँ अच्छी खासी रेन हो सकती है। इसके अलावा जो है वस्ती और बलाई सिंध में भी चांसेस होंगे। तो जैसे जैसे ये सिस्टम करीब आएगा और जो है ना चीज़ें क्लियर होती चली आएंगी, तो कराची वालों को आखिर में ये कहूँगा कि आप लोग ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि विंड की डायरेक्शन आप लोगों ने चेकआउट करते रहना है कि विंड किस तरफ से चल रही है। जैसे ही सिस्टम करीब आएगा तो थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर राइज होते हैं तो फर्ज करें कि फिर अच्छे और चांसेस हो जाते हैं। अभी तो जैसे सी क्लाउड चल रहे हैं ना, आप लोग सी क्लाउड देख रहे हैं और मगरिब की तरफ से हवा आ रही है, अगर यही स्टेटस रहता है तो फिर सिस्टम जो होगा वो पुश बैक होता चला जाएगा, यानी कि गुजरात की तरफ निकल जाएगा, गुजरात से फिर समंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये बताने का मकसद है, क्योंकि मॉडल्स कुछ और कह रहे होते हैं और ग्राउंड कंडीशन होती हैं टोटली डिफरेंट होती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को जो है ना सारी चीज़ें वाजे कर देता हूँ कि यार ये देखो ये सिनेरियो बना हुआ है, ये चांसेस हैं। तो आप लोग न्यूज़ में तो सुन रहे होंगे चांसेस हैं, होगी बारिश नहीं होगी, तो मैं हमेशा आप लोगों से मॉडल के साथ ग्राउंड कंडीशन के ऊपर जो बात करता हूँ, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को करंट सैटेलाइट इमेज दिखाई, जिस तरह लाहौर और सियालकोट के ऊपर जो है इंडिया से थोड़ा सा पीछे या आगे की तरफ जाएंगे, बारिश अच्छी खासी यहाँ पे उम्मीद है, चांसेस हैं बारिश के। तो कराची वालों को बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा टाइम ऑल इस सिस्टम के ऊपर लें,
और 36 आवर्स के बाद जो है ये सिस्टम जो है और अपनी जो है ट्रैक और क्लियर करेगा। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो, और मॉडल्स सारे समझ में आ गए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को उसी वक्त उसका रिप्लाई कर दूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।